पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं के साथ साथ आपके नेता भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद नहीं रहा। नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार चुनाव कार्यालय पहुंचे, वहीं से उन्होंने रैली निकाली। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ आप नेता गोपाल राय और नरेंद्र नाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने चुनाव कार्यालय से एक रैली भी निकाली। इस दौरान वो हाथों में संविधान की प्रस्तावना की कॉपी भी साथ लिए हुए थे। NSUI और JNU के छात्रों ने कन्हैया कुमार की रैली की जिम्मेदारी संभाल रखी है। रैली में थोड़ी दूर पर कांग्रेस और आपके नेता भी साथ चल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले हवन किया और सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया। दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। आप नेता गोपाल राय ने इस दौरान कहा, पिछले 2 बार से मनोज तिवारी यहां से जीत रहे हैं। उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आप कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं, पार्टियों के बिखराव का फायदा उन्हें इस बार नहीं मिलेगा। 10 साल भाजपा को काम करने का मौका दिया गया है, लेकिन जनता परेशान है और जनता में आक्रोश है। अपना दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे कन्हैया भाजपा के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ उत्तर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में कन्हैया कुमार ने बिहार के बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता गिरिराज सिंह से हार गए थे। बाद में वो 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी को 53.90% वोट मिले। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र नई दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों में से एक है। ये एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है, जिसमें मध्य दिल्ली जिले और पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले और शहादरा जिले का भी कुछ हिस्सा शामिल है। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही। सीट बंटवारे के हिस्से के रूप में कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आपने दिल्ली में 4 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं। राजधानी में 7 लोकसभा क्षेत्र नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी दिल्ली है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को एक ही चरण में होंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती देश भर में सामूहिक रूप से 4 जून को की जाएगी। नामांकन के दौरान हमारे रिपोर्टर शान मोहम्मद ने रैली में आए कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं से बात की और जनता की राय को जाना और कांग्रेस के कामकाज के बारे में जाना। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। उत्तर पूर्वी दिल्ली की वो सीट जो लगातार चर्चाओं में रही है, क्योंकि यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी और दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार लगातार मुकाबले पर, दोनों एक तरफ मनोज तिवारी दूसरी तरफ कन्हैया कुमार लगातार इस सीट से लगातार मुकाबले पे हैं। गठबंधन के नेता कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन भर दिया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कन्हैया कुमार रोड शो कर रहे हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी काफिला यहां पर मौजूद है। कन्हैया कुमार का फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से लगातार स्वागत किया जा रहा है। आप भारी तादाद में देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, पूरा काफिला है कन्हैया कुमार के साथ। चूँकि यह सीट लगातार चर्चाओं में रही है, 2 बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, वहीं दूसरी ओर गठबंधन से कन्हैया कुमार यहाँ से उम्मीदवार है। आपको मैं तस्वीरों में सबसे पहले काफिला दिखाना चाहूँगा। ये कन्हैया कुमार की रोड शो एक रैली है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काफिला लगातार जारी है और कन्हैया कुमार का फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से लगातार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको लगातार दिखाने की सबसे पहले कोशिश करूंगा कन्हैया कुमार का चेहरा, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से गठबंधन से लगातार उम्मीदवार हैं। और यहां पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कन्हैया कुमार का यहां पर नामांकन भरने के बाद यहां पर स्वागत किया जा रहा है। पूर्व विधायक वीर सिंह दिखान भी हैं वहां पर, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से कन्हैया कुमार का फूल मालाओं से लगातार स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं। ये वही चेहरा है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से गठबंधन से उम्मीदवार कन्हैया कुमार
यहाँ पर लगातार रोड नामांकन भरने के बाद यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कन्हैया कुमार का स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा है, ढोल नगाड़ों से लगातार स्वागत किया जा रहा है। ये सीट लगातार लोकसभा चुनाव में चर्चा में रही है, क्योंकि दो बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी यहाँ पर और दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार यहाँ पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तस्वीरों में मैं एक बार में फिर से दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि किस तरह से कन्हैया कुमार के साथ भारी काफिला है। इसमें तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता मौजूद है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वार इंडिया। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली से गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने आज नामांकन भरा, उसी के स्वागत के लिए यहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। कन्हैया कुमार कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद यहां पर कन्हैया कुमार जो है यहां तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहां पर उनका कन्हैया कुमार का जो स्वागत करेंगे। आज किस्सा कुर्सी का मैं आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने की लगातार कोशिश करूंगा। चुनाव है, ये पूरा देश का मोदी जी ने बड़ा अंग्रह कर दिया है, आप देख सकते हैं। जो कैसे क्या बेड़ा दो काम मुझे गिनवा दीजिए जो मोदी जी ने जो कांग्रेस को पसंद नहीं है, जो यहाँ की जनता को पसंद नहीं है। मोदी जी ये काम तो कोई भी पसंद कर ही नहीं रहा, उनकी जुमलेबाजी चल रही है। उनके दो दोस्त हैं, दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं, पूरे देश का नाश कर दिया है उन्होंने। तो योजना लाया अग्निवीर योजना, वो देश के युवाओं को पसंद नहीं है, किसी युवा को पसंद नहीं है और ना ही आम लोगों को पसंद है। अगर हम बात मोदी जी के कामों की बात करें, राहुल जी कह रहे हैं अग्निवीर योजना बिल्कुल खत्म कर देंगे। देश के लोगों को पसंद नहीं, आप कह रहे ना मोदी जी के कौन से दो काम है बता दीजिए। मैं बताता हूँ, अग्निवीर योजना किसी युवा को पसंद नहीं है, नोटबंदी का काम देश के किसी वासी को पसंद नहीं है। आप बताइए, और उनके जीएसटी का जो मामला वो किसी को पसंद नहीं आया उनका। कांग्रेस क्या गारंटी लेके आई है? कांग्रेस 25 गारंटियां लाई है, आप उसका मैनिफेस्टो पूरा पढ़िए जिसमें 25 गारंटियां नहीं है। जैसे उसने कहा है कि युवाओं को रोजगार, पहले जो 30 लाख पद बढ़े आते ही सबसे पहले उन युवाओं से जो पद खाली बढ़े भरे जाएंगे। ऐसे ही महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही महिलाओं को सशक्तिकरण दिया। राशन कार्ड में मैं आपको बता दूं, पहले मर्दों के नाम राशन कार्ड हुआ करते थे, ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने महिला को पहले घर का प्रमुख बनाया। ऐसे ही लाडली योजना 1 लाख रुपए की शीला दीक्षित जी लाई, और 33% का आरक्षण भी अगर दिया तो कांग्रेस ने ही दिया। और अब 1 लाख रुपए साल की जो गारंटी कांग्रेस दे रही है कि 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देंगी, वो भी कांग्रेस दे रही है। वो कांग्रेस गारंटी नहीं दे रही, कांग्रेस करके दिखाती है, और जब वो करके दिखाती है तो उसका काम गारंटी में तब्दील हो जाता है। जोरदार टक्कर चल रही है कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में। मनोज तिवारी दो बार से सांसद रह चुके हैं, अब उन्हें टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार कितना समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, जहां वाले विरोध कर रहे हैं, जहां आप बात कर रहे हैं जोरदार टक्कर की, तो मैं कहता हूं कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो जीत रहे हैं कन्हैया कुमार जी को जो लड़ाई लड़ा रही है, चुनाव लड़ा रही है, वो जनता लड़ा रही है। अभी आप देख लें उनकी पूरी रैली के अंदर पूरा भीड़ उमड़ी पड़ी है, वो ये साबित कर रही है कि कन्हैया कुमार जो चुनाव लड़ा रही है वो जनता लड़ा रही है। जबकि मनोज तिवारी जी की अगर रैली की बात करते हैं तो 40-50 कार्यकर्ता ही मौजूद हैं, तो उनके तो उनको तो दूसरे तरीके से लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जनता की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, तो सारे गरीब मजदूर कन्हैया के साथ है, कांग्रेस के साथ है, गठबंधन के साथ। दोनों ही पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल के कितना सहयोग मिल पा रहा है? हम लोग बात पूर्वांचल की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात शख्सियत की है, बात उस लोगों की है जो गरीबों की आवाज उठा सके, जो मजदूरों के दर्द को समझ सके। और ये दर्द, ये आवाज अगर कोई है तो वो कन्हैया कुमार है, और यही वजह है कि सारा पूर्वांचल कन्हैया कुमार के साथ है। ये पूर्वांचल से आप क्या कहना चाहेंगे आज नामांकन? देखिए, मैं बुराड़ी असेंबली, यहाँ से सबसे दूर की असेंबली है बुराड़ी और तिमारपुर, तो सबसे दूर की यमुना पार की असेंबली है। हम लोग बुराड़ी से आए हैं और कांग्रेस के वर्कर हैं। हम लोग पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश की एकता को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन इसका कल्चर है। तो इसमें क्या है, हर वर्ग का आदमी, अमीर है, गरीब है, व्यापारी है, कर्मचारी है, और वह पूरे देश के हर इलाकों से आता है। हाँ ठीक है, पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं, एक तबका है हमारे पूर्वांचल का, मेहनत का तबका है, पूरे देश में जाता है, तो पूर्वांचल का पूरा समर्थन उसके बेटे को मिलेगा, कन्हैया कुमार जी को अवश्य मिलेगा। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पीएचडी कर रखी है,
और अच्छे वक्ता है, साथ में उन्होंने जनता के कल्याण के लिए संविधान की शपथ ली है, संविधान को मानने वाले व्यक्तित्व है। और राहुल जी और केजरीवाल जी दोनों की तरफ से उनको समर्थन है, उनको यहाँ टिकट मिली है, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और जो इनकी तानाशाही चल रही है, देखिए दिल्ली प्रदेश में हम खड़े हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे विश्व में यह पैगाम गया कि आपने अपने सीएम को बंद कर दिया है उठा के, तो बिना सबूतों के। आप आने वाले समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करेगा और केजरीवाल जी बाहर आएंगे। राहुल जी ने 200 साल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पैदल 4000 किलोमीटर की यात्रा केवल देश को जोड़ने के लिए की, वो राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करी, फिर भारत न्याय यात्रा करी। और आज आप देखिए कि न्याय की गारंटी का कानून जो है वो हम लेके आएंगे और जनता को जो ये त्राही हो रही है उससे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि तानाशाही सरकार है। इस सरकार ने ना युवाओं को देखा जिसने नौकरी मांगी उस पर लाठीचार्ज, ना उन बेटियों को देखा जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया देश के स्पोर्ट्स के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज। आप किसानों को देख लीजिए जिसने देश का अन्न का भंडार भर दिया उसको क्या क्या नहीं बोलते, ये उस पर आंसू गैस के बोले, ड्रोन से रोड पे कीले लगा दी गई, 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान शहीद है। बीएचयू में लड़कियां प्रदर्शन करती रह गई, प्रधानमंत्री जी का मणिपुर पूरा चलता रहा, आज तक प्रधानमंत्री जी के शब्द नहीं निकले माँ के ऊपर। महिला सुरक्षा को लेकर, किसानों को लेकर कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर आई है? देखिए सबसे पहले बात है आर्थिक विषमता को दूर करना, अगर महिला के पास आर्थिक क्षमता होगी तो अपने परिवार को बढ़िया चला सकेगी, 8,333 रुपए पर मंथ उसके खाते में जाएंगे तो वो अपना परिवार को सुरक्षित रूप से चला सकती है। इकोनॉमी में जब पैसा आएगा, गरीब के पास पैसा आएगा तो वो हर चीज खरीदेगा, हर चीज खरीदेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो मैन पावर बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ये छोटी सी बात को इतनी बड़ी सरकार नहीं समझ पाई। एक जोर शोर से नारा गूंज रहा है 400 पार, ऐसा क्यों? वो 400 देखिए 303 में जो आदमी 272 का आंकड़ा हो जाता है, एक बहुमत की सरकार होती है भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली में, इनके पास 303 थी, अब ये 303 में काम नहीं कर पाए, कह रहे 400 पार 400 इसलिए देना चाहते हैं कि संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदल देंगे तो इसमें क्या करेंगे, इनके दो गुजरात के दो उद्योगपति हैं और दो ये नेता पूरा देश चलाना चाह रहे हो 400 से। आज मनोज तिवारी जी की हालत क्यों खराब है? क्योंकि वो 400 पार का नारा तो बोल रहे हैं लेकिन कहीं जमीन धरातल तो है नहीं वास्तविकता में। पेट्रोल का रेट है 400 पार। यहाँ पर बीजेपी के समय जो सरकार है, एक नारा है जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदू खतरे में है, जबकि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर ये मुद्दा क्या है कि हिंदू खतरे में? या राजनीति धर्म की राजनीति हो रही है फिर या कुछ और है? देखिए राजनीति का एक ही धर्म होता है, राजनीति का एक ही धर्म होता है राजधर्म, ठीक है। और ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये बेशक नफरत फैलाने की, भय दिखाने की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहे हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं, पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं। इन्होंने दो बार कोशिश करी, जनता ने भी और समझ लिया है, इस बार इनकी कोशिशें विफल हो रही हैं। आप देखिए ये कहां कहां पे क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। राजनीति में क्या है, जनता के सरोकार आते हैं, गरीब हर आदमी है, अमीर भी, वो कहते हैं हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, सिख भी गरीब है, ईसाई भी गरीब है, गरीब तबके को ऊपर जब तक नहीं उठाएंगे तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म आता है, धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आप भंडारे लगाते हैं, आप इफ्तार की पार्टी करते हैं, वो आपका निजी मामला होता है, धर्म में क्या सब सम्मिलित होकर करते हैं। यहाँ तो पड़ोसी से लड़ाने की बात है, अगर आपके घर में उनको 4 वोट मिल लोगे तो भाई भाई में झगड़ा करा देगी भाजपा, ठीक है। जुगल जी, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं खुद भी चुनाव लड़ सकता था लेकिन हमेशा से कांग्रेस के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा, लेकिन कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने के बाद महंगाई कितनी परसेंट कम हो सकेगी? देखिए जब सरकारें बनती हैं तो उनकी कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं। आप पिछले 70 साल में सरसों का तेल 70 रुपए आ पाया, इन 10 साल में 200 रुपए हो गया, तो सरकार किसकी अच्छी थी? 130 रुपए किसने बढ़ाए भाइयों? कौन सी सरकार ने बढ़ाए? गठबंधन में दोबारा 70 हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 70 नहीं होगा 65 होगा। पेट्रोल मिलेगा आपको 50 रुपए में, क्योंकि कच्चा तेल है 30 रुपए। आप इस चीज को बहुत गहराई से देखेंगे, कच्चे तेल की कीमतें बहुत डाउन है, लेकिन बिल्कुल सस्ता चंदा नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये चीजें जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग उसको खर्च करेंगे, काम का आदमी को महत्व पता होगा, तो अपने आप देखना शान भाई। और मैं आप इस आज की डेट को लिख लेना, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो अगले साल आपसे फिर मिलके और आप खुद बताएंगे कि अभी महंगाई कम हुई है कि नहीं, ठीक है। चाचा, क्या नाम है? नाम है, क्या करते हैं?
क्या करते हैं? हम बदलों का काम करते हैं। बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? बीजेपी की महंगाई को छोड़ो, बीजेपी ने ऐसे काम करे हैं जो अच्छा काम करने वाला है केजरीवाल है। अच्छा काम कर दिया था, गरीबों को देख लिया था। केजरीवाल को अंदर भेज दिया, ईडी ने अंदर कर दिया। ईडी है कि वो तो है शेर है, कहीं ऐसा नहीं हो कि फाड़ ले पकड़ ले तो उसको पहली जेल में डाल दिया जो अच्छे काम करने वाला है। घोटाले का आरोप लगाया गया था वो तो ये सब बेकार की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डर की वजह से उसको जेल में डाल दिया है। और जो गलत काम करने वाले हैं, दो नंबर का काम करने वाले हैं, वो अपने बटन खोल के सीना खोल के मैदान में घूमता है। यह है बीजेपी की सरकार। हमें कोई बीजेपी से कोई नफरत नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने 2014 में सबने मुसलमानों ने ये सोच के आज मैदान में ले के आए थे कि ये हमारे बारे में सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं करा। अब मंदिर का मस्जिद का मामला खत्म हो गया तो अब मंगलसूत्र लेके आ गए हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र उतार देंगे। अरे मुसलमानों से इतना डर क्यों है जब इतना प्यार करते हैं और एकजुट होकर चलते हैं। और ये खुद जानते हैं कि मुसलमान ऐसा नहीं है कि ऐसे गलत काम करे, सबको साथ दे। बीजेपी ने एक भी काम अच्छा किया? एक भी काम मोदी ने एक भी काम अच्छा किया है जो आपको पसंद आया? एक भी? अगर बीजेपी ने एक भी काम किया है तो 10 काम गलत करे हैं तो वो एक काम काम में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। अच्छा क्या है? आदमी को चांद प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। अगर वो काम अच्छा करते हैं, काम भी सही करते हैं, या हिंदू मुस्लिम भाईचारा लेके चलते हैं तो मोदी साहब को हटाने वाला नहीं। क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, सारे मामले ऐसे हो जाएंगे? जो कांग्रेस के टाइम थे ये सुंदर नगरी जो बसाई हुई है कांग्रेस की बसाई हुई है। आज के भगत ने विधानसभा वीर सिंह ने इन्होंने किस तरीके से कितने अच्छे काम करे हैं, कभी कोई नहीं। अटल बिहारी था उससे तो कोई खराब नहीं थे। अगर किसी के पास जाओ वो ये कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी से क्यों खराब है। मौलान बीजेपी से तो खराब नहीं है, बीजेपी हमारे लिए सब बराबर है। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, केजरीवाल को जेल में डाला गया है, शराब घोटाले को आरोप था, लेकिन जो एक के साथ जो एक फ्री मिली थी शराब, आपने भी सुना होगा ठेकों भीड़ लगी थी। ये सब घोटाले ऐसे, अगर ऐसी जो बातें नहीं आएंगी तो घेरे में कैसे लिया जाएगा, पकड़ने कैसे लिया जाएगा, कौन है ऐसा? मुझे तो ऐसा कोई दूध का धुआं दिखाई नहीं दे रहा कि बिल्कुल साफ सुथरा हो और अच्छे काम कर रहा हो, कोई घोटाला नहीं कर रहा हो या अपना पेट में भर रहा हो, ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी अपनी जेब भरता हो। कन्हैया कुमार को सपोर्ट करते हैं? हाँ, कन्हैया कुमार को हमने पहली बार एक महीने दो महीने पहले जाफराबाद के अंदर पोस्टर लगे हुए देखे और उसमें पढ़ते हुए देखा हमने। मनोज तिवारी कितनी बार दिखे आपके इलाके में, कितना विकास किया, कुछ किया है उन्होंने? नहीं, मनोज तिवारी को हमने जीतने के बाद में सुंदर नगरी में देखा ही नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़े के बारे में या उसने एक बार आ गया ना, एक बार भी नहीं आए सुंदर नगरी के अंदर। क्या नाम है, गर्भ को जिताया था, गर्भ ने भी क्या करा हमने सोचा था ये भाईचारा लेके चलेंगे, मार्केट में दुकानदार हैं, इन्होंने भी अपने किसी गलियों में कहीं पुलिस नगरी में नहीं घूमे। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार सुन रहे थे, आज गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने नामांकन भराए और आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर वो रोड शो करी है, तमाम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से बात करी है। मेरे साथ यहाँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो कन्हैया कुमार के स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कन्हैया कुमार यहाँ पर कुछ घंटों बाद आने वाले हैं और जब उनका स्वागत लगातार फूल मालाओं से किया जाएगा। हमने इनसे पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्या क्या काम हुए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तमाम कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन जो अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो जो तेल पे जो पैसे बढ़े हुए, जो पेट्रोल पे जो पैसे हैं लगातार, मतलब पूरी तरीके से देश से महंगाई कम हो जाएगी। दिल्ली से शान मोहम्मद, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।